बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 3 है, जो कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ के हवाले से है। इसमें हम सबसे पहले ग्राफ 1 डिस्कस करेंगे। ग्राफ 1 को हम प्लॉट करेंगे बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। तो हमें एक कर्व मिलेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस कर्व को हम आइसोथर्म कहेंगे। आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट या टेम्परेचर। क्योंकि ये कर्व कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ली गई है, इसलिए इस कर्व को हम आइसोथर्म कहेंगे। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, हमें एक और आइसोथर्म मिलेगी। और ये जो आइसोथर्म होगी, ये बोथ एक्सिस यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस से दूर चली जाएगी। इसकी रीजन ये है, जैसे हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो कर्व है वो प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस से दूर चली जाती है। अगर आप मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और उसको फिर कॉन्स्टेंट कर लेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज करके, तो हमें नई आइसोथर्म मिलेगी जो कि दोनों एक्सिस से दूर हो जाएगी। ये ग्राफ हमारे सामने है। 0 पर ये पहली कर्व है ये वाली, और 25 पर ये एक और कर्व है। ये वॉल्यूम और प्रेशर एक्सिस से दूर चली गई। उसके बाद ग्राफ 2 है हमारे पास। इसमें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ बिटवीन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि वॉल्यूम नहीं लेंगे बल्कि वॉल्यूम का इनवर्स लेंगे, और प्रेशर ऑन वाई एक्सिस। तो ये इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर हमने वाई एक्सिस पे लिया है। इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी टेम्परेचर T1 पर। टेम्परेचर चेंज करेंगे T2, स्ट्रेट लाइन हमें फिर मिलेगी, लेकिन उसकी पोजिशन डिफरेंट होगी। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है। उसकी वजह यह है, वॉल्यूम कैसे 0 हो गया, जो एक्चुअली जो है वो जब प्रेशर 0 करेंगे तो वॉल्यूम इन्फिनिट हो जाएगा, वेरी हाई वॉल्यूम इन्फिनिटी हो जाएगा। और हम चूंकि वॉल्यूम का इन्वर्स ले रहे हैं, तो 1 ओवर जो इन्फिनिटी होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि प्रेशर 0 होगा तो वॉल्यूम का इन्वर्स भी 0 हो जाएगा। तो ये लाइन जो होगी, आप देख सकते हैं ग्राफ में, ये स्ट्रेट लाइन से जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है लाइन जो है। उसके बाद ग्राफ 3 है हमारे पास। इसमें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी। ये स्ट्रेट लाइन शो करती है जो प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का, के वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यही वजह है, जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होता रहेगा, और जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और हमें एक लाइन मिलेगी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमें गैसेस के आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को समझने में, अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। उसके बाद चार्ल्स लॉ। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने 1787 में दिया था। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। इस लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस ये वेरिएबल्स हैं। इस लॉ में अमाउंट एंड प्रेशर ऑफ गैस ये कॉन्स्टेंट है। इस लॉ की स्टेटमेंट जो है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे लिया जाएगा। और इसमें जो है वो गिवन मास यानी कि अमाउंट भी कॉन्स्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रखेंगे, तब जो होगा वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये मैथमेटिकल है उसकी, ये फॉर्म V इज इक्वल टू के टी। आप टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी V डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे T1 से T2, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा V1 से V2। तो इक्वेशन होगी हमारा V1/T1 इज इक्वल टू के, V2/T2 इज इक्वल टू के। अब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हमारे पास V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो
ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चार्स लॉ के, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्स लॉ। तो हमारे पास एक गैस है, उसकी फिक्स अमाउंट है गैस की सिलेंडर के अंदर, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम वी वन है, इसका टेम्परेचर जो है वो टी वन है। अगर हम इसको हीट करें गैस को, हीट करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टी टू हो जाएगा, और ये गैस एक्सपेंड करेगी और वॉल्यूम वी टू हो जाएगा। अगर हम जो वैल्यूज पुट करेंगे वी वन और टी वन की और वी टू और टी टू की, तो उससे हम प्रूव हो जाएगा कि वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू, और इस तरह से हम चालीस लॉ को वेरीफाई कर लेंगे। एग्जाम्पल टू है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। हमारे पास वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर T1 जो है 127 है और T2 -27 है, इनको हम केल्विन में चेंज करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, आप चाहें तो वॉल्यूम को डेसीमीटर में चेंज करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेंटीमीटर क्यूब में रहने दें तभी ये आंसर सही आएगा। फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है, इनिशियल टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 273 ऐड करेंगे, 400 केल्विन में चेंज हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर -27 है, 273 ऐड करेंगे, ये 246 केल्विन हो जाएगा। अब हमने मालूम करना है V2, तो ये चार्स लॉ अप्लाई करेंगे, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, T2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास V1 मल्टीप्लाई बाई T2 इज डिवाइड बाई T1। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम तमाम, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 0.153 डेसीमीटर क्यूब आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर क्यूब में 153 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, व्हाट इज आइसोथर्म एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आइसोथर्म इन बॉयज लॉ, ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये आइसोथर्म के बारे में हमने पढ़ा, ये ग्राफ वन के बारे में दिया हुआ है, इफेक्ट भी हमने स्टडी किया इसमें। वाई स्टेट लाइन इज ऑब्टेन व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड पीवी इज इक्वल टू के, ये भी हमने पढ़ा था, इसका जो ग्राफ नंबर 3 था, यहाँ पर ये ग्राफ 3 इसमें दिया हुआ है, ये ग्राफ 3 भी हम इसमें ड्रा करेंगे। वाटर वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इन चार्स लॉ, चार्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल है और जो है प्रेशर और मास ऑफ गैस ये कॉन्स्टेंट है, राइट स्टेटमेंट ऑफ चार्स लॉ। चार्स लॉ की स्टेटमेंट आपने यहाँ पर ऊपर ये देखी है, चार्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो ये आज का लेक्चर था, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।